हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एम एकेडमी विद निराले में। मैं हूँ निराले। आज से जो मैंने वीडियो लेक्चर की जो शुरुआत की है वो थोड़ा सा अलग टाइप से रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश सीखने की जो योजना है उसमें कई तरीके से इंग्लिश को सीखना, ये नहीं कि सिर्फ हम सिर्फ कुछ सेंटेंसेस के रूल को ही सीख ले और इंग्लिश आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना था कि सर बिना ग्रामर का भी इंग्लिश हो सकता है, तो मैंने उनके लिए खास तौर से ये वीडियो लेक्चर बनाई है। और बेसिक सीरीज से आज से हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी क्या है। चलिए, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि बहुत से चीज आप सीखने वाले हैं, क्योंकि स्टार्ट ही बेसिक से कर रहे हैं। यदि मान लिए, थोड़ा सा देखिए कि ग्रामर होते क्या है। यदि मैं इस टाइप से इसका यूज करता हूं, आप मान लीजिए कि ये पेड़ है। यदि ये पेड़ है तो फिर इसमें बहुत से चीज होंगे। आप देख रहे हैं यहां पे ये पेड़ का जड़ है, आप ये देख रहे हैं कि यहां पे ये पेड़ का तना है, यहां पे पत्ते हैं, तब जाके ये परफेक्ट पेड़ है। और पेड़ भी यदि किसी चीज का ही है तो ये फल कब देगा। मान लेते हैं कि ये आम का पेड़ है, तो ये आम कब देगा, जब ये इसका जड़ बेहतर हो, तना भी बेहतर हो, पत्ते अच्छे हो, हरे हो, तब जाके वो फिर से फल लगना शुरू होता है। और आफ्टर डेट आपको क्या मिलता है, फल मिलता है। यही रूल्स इंग्लिश का भी है। यदि हम इसको मान लेते हैं कि ये पेड़ तो है, लेकिन इस पेड़ का नाम मान लेते हैं कि इस पेड़ का नाम इंग्लिश है, तो क्या होना चाहिए इसका जड़। यदि ये पेड़ का नाम इंग्लिश है तो फिर इस पेड़ का जो जड़ है वही ग्रामर होता है। आप तो अब खुद ही सोचिए कि एक पेड़ में यदि जड़ ना रहे तो फिर वो पेड़ ही नहीं रहेगा। वही नियम यहां भी लागू होता है कि यदि इंग्लिश सीखना है आपको, तो यदि ग्रामर ही नहीं है तो फिर उस पेड़ का यानी इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, यानी पता ही नहीं चलेगा कि आप वो सही इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। याद रखिए, तना तो जरूर चाहिए, यानी आपके पास जितने वर्ड मीनिंग रहेंगे आप उतना बेहतर इंग्लिश बोलेंगे। उसके बाद पत्ता, ये आपके ट्रांसलेशन पे निर्भर करता है, तब जाके आपको इंग्लिश नाम का फल मिलता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि बिना ग्रामर का कुछ नहीं है, साथ साथ वर्ड मीनिंग भी का बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसलेशंस के एक्सरसाइज भी, खुद से प्रैक्टिस भी करिए। तो मैंने ये सोचा है कि ग्रामर की सीरीज की मैं शुरुआत तो आज कर ही दे रहा हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले मैं एक वीडियो ग्रामर का दूं आपको, उसके बाद एक ट्रांसलेशंस के कुछ नियम को बताऊं मैं आपको, उसके बाद वर्ड मीनिंग के साथ मैं आपको सेंटेंसेस को सॉल्व करके बताऊं। तो इसके लिए ग्रामर के 2-3-4-5 वीडियोस को आपको पूरी तरीके से देखना होगा, जो कि बेसिक्स है। क्योंकि जब मैं आपको ट्रांसलेशन के रूल के बताऊंगा तो फिर आपको वहां पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ग्रामर का जो 4-5 का जो पहले वीडियो लेक्चर जो होंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और उस चीज को तो आप एकदम देखना ना भूले, क्योंकि उसी के अंदर आप सीखेंगे कि सब्जेक्ट होते क्या है, सब्जेक्ट का क्या रूल्स है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, और जो तीसरा रहेगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे उन लोगों का यूज किया जाता है, उन सभी का यूज किया जाता है। इन सभी वीडियो लेक्चर को आप ग्रामर का ये जो सीरीज मैंने आज से शुरू की है, इसके जो 4-5 वीडियो लेक्चर में मैं इस सभी को कवर करूंगा। यदि आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर ट्रांसलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वर्ड मीनिंग का भी मैं एक वीक में एक दिन का कुछ इंपोर्टेंट वर्ड का 10 या 20 के बीच का एक काफी बेहतरीन मैं आपको वर्ड दूंगा एक वीक में, और उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके इंग्लिश सीखने की ये योजना जो है वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगी। और ग्रामर के जो सीरीज हैं वो चलते रहेंगे। आप चाहे एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक्स लेवल के स्टूडेंट हैं, या यदि आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट पे ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट में है। मैं आपको पूरी तरीके से उस कॉन्सेप्ट में मदद करूंगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो मतलब नहीं रखता। आप बड़े से बड़े कंपटीशन या फिर आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से मदद करूंगा। चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्योंकि मेरा शुरू से एक ही फॉर्मूला रहा है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे जब बात करता हूं तो पहले ये सवाल खुद ही से कर लेता हूं कि वो होता क्या है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर। तो पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर होते क्या है। ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। हिंदी के स्टूडेंट काफी बेहतर तरीके से इस चीज को समझेंगे। याद रखिए, आप यदि हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप परेशान नहीं हुआ करिए, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। यदि आप यहाँ से भी अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, आपको खुद 1 से 2 महीना में रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं, नाउ वी आर गेटिंग इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। और उसके बाद निश्चित तौर से आप जो बेहतर होने के साथ साथ आप आगे बढ़ने लगेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ग्रामर यानी व्याकरण वो होता क्या है, पहले जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ग्रामर इज द वन, मतलब हुआ कि ग्रामर इज द वन, ग्रामर वह है यानी वो है। ये द वन का कॉन्सेप्ट है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जब मैं प्रोनाउन की वीडियो लेक्चर को बनाऊंगा तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। डैट जो डिनोट्स, डैट का मतलब वह भी होता है, की भी होता है, जो भी होता है। जब आप फिर से प्रोनाउन का जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको ये समझ में आएगा। वहां पे डैट डिनोट्स जो बताता है अबाउट द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज के बारे में, द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा के नियमों के बारे में बताता है। कौन बताता है? द ग्रामर इज वन, ग्रामर वह है जो किसी भी भाषा के नियमों के बारे में हम लोग को बताता है। फॉर एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के नियमों के बारे में बताता है। द रूल्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के नियमों के बारे में बताता है। द रूल्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के नियमों के बारे में बताता है। एंड पंक्चुएशंस, और पंक्चुएशंस के यानी जो चिन्ह विचार होते हैं उसके नियमों के बारे में बताता है। तो यही ग्रामर है और इसी का ये आपका डिफिनेशन है। यदि आप अभी तक नहीं जानते तो फिर नोटबुक तो जरूर निकालिए और इसको नोट करिए, मजा आने वाला है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर, हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में ब्रांचेज कितने होते हैं। तो इस बात को मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया है कि देयर आर 5 ब्रांचेज इन इंग्लिश ग्रामर। उसमें का जो पहला ब्रांच होता था वो अर्थोग्राफी था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यदि आपने नहीं देखा है या फिर आप नहीं जानते हैं तो फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में जाइए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप वहां पे अर्थोग्राफी या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा। अर्थोग्राफी आज हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि दूसरा एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोजोडी और पंक्चुएशन मार्क्स है जो कि काफी नीचे की है। तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। जो पहला था वो अर्थोग्राफी, जिसका मतलब होता है अक्षर या वर्ण विचार, अक्षर विचार या फिर वर्ण विचार। उसमें हम लोग को ये पढ़ना था, अल्फाबेट के नियमों के बारे में पढ़ना था। जो पहला चैप्टर ही था वो यही था कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग को अल्फाबेट के नियमों के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्फाबेट होते क्या है। अल्फाबेट नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। तो प्रोनाउंसिएशन भी काफी जरूरी है। वर्ण या अक्षर माला, वर्ण माला कहिए या फिर अक्षर माला कहिए, ये अल्फाबेट का मतलब होता है। देखिए किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में अल्फाबेट वर्णों का ग्रुप होता है यानी लेटरों का ग्रुप होता है। आप यहां पे कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा डॉट डॉट चीट। लेटरों का ग्रुप होना चाहिए। ये ए जो है वो अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं, ये अल्फाबेट का एक पार्ट है। ये जो है ये लेटर है, ये अल्फाबेट नहीं है, बल्कि ये सभी मिलकर क्या है, अल्फाबेट है। तो फिर आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी, कितने होते हैं अल्फाबेट किसी भी भाषा में। गाइस एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो अल्फाबेट होते हैं
वो कितने होते हैं? याद रखिएगा, किसी भी भाषा में अल्फाबेट एक ही होता है। जो 26 है वो 26 तो लेटर होते हैं, जबकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि 26 अल्फाबेट होते हैं। ये एकदम गलत क्वेश्चन है, एकदम गलत आंसर है। अल्फाबेट किसी भी सब्जेक्ट में एक ही होता है। 26 तो उसके वर्ण होते हैं, उसके लेटर होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, राम इज अ बॉय, ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है ना। अब हम इसको एक दो तीन चार सेंटेंस नहीं ना बोल सकते। राम तो एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड क्या? सेंटेंस। उसी प्रकार से ये लेटरों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। तो द नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एनी लैंग्वेज मात्र एक ही होता है। किसी भी भाषा में अल्फाबेट एक ही होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार अब आप किसी माला को ही ले लीजिए, आप एक माला को ले लीजिए, एक दो, ये सब उस माला का मोती है। अगर हम मान लेते हैं तो ये सब माले हैं, लेकिन ये सब मोती हैं, लेकिन माला कितना है? एक ही माला है ना। ये एक ही माला में सारे मोती लगे हुए हैं। उसी प्रकार से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है 26 लेटर्स का, ये सभी को एक ही अल्फाबेट कहा जाता है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। हिंदी ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो क से ग, ये सब एक ही अल्फाबेट है। ये जो बीच में जो जो 52 जो होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो तो लेटर्स होते हैं, वो अल्फाबेट नहीं होते हैं। तो एक बात याद रखिए कि अल्फाबेट का जो नंबर होता है एक ही होता है, किसी भी भाषा में एक ही अल्फाबेट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये अल्फाबेट की टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट को तो अक्सर सभी लोग जानते हैं कि अल्फाबेट जो है वो दो टाइप के होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप लोगों ने अभी नोट नहीं किया तो फिर नोट तो जरूर करते चलिए। जो पहला होता है वो होता है वोवेल्स, और जो दूसरा होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। इसका तो आप लोग मतलब जानते होंगे, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे बहुत से चीज आएंगे जो आप नहीं जानते थे और जरूर सीखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पांच लेटर्स को हम लोग वोवेल्स कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू, इन सभी को वोवेल्स कहा जाता है। और इनको छोड़ के जो 21 बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। बी सी डी, ई को छोड़ दीजिए, एफ डॉट डॉट डॉट, यानी आपको छोड़ देना है, जेड तक चला जाना है, ये पांचों हटा के। इसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं और इसको वोवेल्स कहते हैं। याद रखिएगा एक बात को कि मैं अभी आप लोग को अल्फाबेट का जो है वो सिर्फ रूल्स बता रहा हूं कि होते कितने हैं। जब इसका एडवांस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये बात पता चलेगा कि इसके साउंड्स कितने होते हैं। ये जो ए बी सी डी हैं, ये सबके अलग अलग साउंड्स होते हैं, और जब आप आर्टिकल पढ़िएगा तब उस साउंड्स का वहां ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अभी हम लोग सिर्फ यही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं बेसिक्स को बता रहा हूं आप लोग को। तो ये याद रखिएगा कि 26 ए बी सी डी, यानी उसको एबीसीडी तो कहना ही नहीं है, उसको अल्फाबेट कहिए, या फिर जो 26 लेटर्स है उसमें से इन पांचों को छोड़कर जो 21 बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब उसके बाद एक छोटा सा सवाल ये भी होता है कि अब लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं? तो लेटर्स ये सब है, मैं आपको बता दे रहा हूं। लेटर्स आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लेटर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होइएगा। अब जो आज का वीडियो लेक्चर है इसमें आप लोगों ने क्या-क्या सीखा, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ लोगों का मानना है कि W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है, सेमी वोवेल, W और Y को। ये बात कहीं पे प्रैक्टिकली लिखी हुई नहीं है,
ये जो है आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, ये जो है वो एकदम यदि आप इसको देखा जाए तो फिर आप इस चीज को आप पूरी तरीके से कह नहीं सकते हैं। W और Y को सेमी वोवेल कहीं बात प्रैक्टिकली ये चीज लिखा नहीं है, क्योंकि यदि सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है तो अकॉर्डिंग टू द साउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कभी कभी साउंड आता है किसका, वोवेल्स का साउंड आता है, इसलिए इसे सेमी वोवेल्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्स का भी तो साउंड आता है, एक्स एक्स देखिए एक्स एक्स का भी जो साउंड आता है वो भी वोवेल्स का ही साउंड आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी सेमी वोवेल कहलाने लगेगा, तो ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यदि आपको ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये किसी एग्जाम में या फिर नहीं, लेकिन अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेमी वोवेल्स ये आप कह लेते हैं क्योंकि ज्यादातर साउंड वोवेल्स का डब्ल्यू और वाई का कहीं कहीं आता है। तो जब मैं साउंड्स के बारे में बताऊंगा अल्फाबेट के तो उसमें ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स को भी तो कहा जा सकता है कभी कभी, तो फिर वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा इस आज का जो वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आप लोग का जो पहला ये जो था अर्थोग्राफी ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को दूसरा पढ़ना रहेगा अगले में, वो रहेगा इटिमोलॉजी, और उसके बाद तो मात्र 4 ही बचे हैं और पूरे इंग्लिश खत्म हो जाएंगे, हालांकि वो इतना आसान है नहीं। लेकिन यदि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मुझे लगता है कि 3 चीज सीखा कि सेमी वोवेल्स ये नहीं होते हैं, जो दूसरा है अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में अल्फाबेट जो किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो उर्दू हो किसी भी सब्जेक्ट का हो तो एक ही होता है। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने काफी बेसिक चीजें बताई, यदि आप नहीं जानते थे तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए यानी रोक दीजिए और उसको आप नोट कर सकते हैं। याद रखिए वीडियो कि मैं अपने वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं करता हूं, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से या फिर यहाँ पे कुछ ये भी हो जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो उसके लिए तो सॉरी रहेगा, क्योंकि जैसे ही फिर टेक्नोलॉजी की सुविधाएं मुझे मिलने लगेगी, लॉकडाउन खत्म होगा, मैं अपने वीडियोस को एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाऊंगा और आप लोगों के सामने दूंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, शेयर और लाइक करना भी नहीं भूले, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने क्या सीखा, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपके सभी तरीके के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू अ वेरी गुड डे।